हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेसन 3 ऑफ क्लास 5 इंग्लिश बुक, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड. लेसन नेम इज चाइल्ड एंड ग्रैंडमा. ये पांचवी क्लास का लेसन है और एक पोयम है, चाइल्ड एंड ग्रैंडमा. चाइल्ड एंड ग्रैंडमा, बच्चा और उसकी दादी. ग्रैंडमा मींस ग्रैंडमदर, दादी. ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप इंटरेस्ट इन द पोएट्री. इस कविता का उद्देश्य है बच्चों में कविता के लिए दिलचस्पी पैदा करना, टू इंस्टिल लव फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने दादा दादी के लिए बच्चों के मन में प्यार को बढ़ाना. सो देर आर सम न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज जाइंट. जाइंट मींस बहुत बड़ा. नेक्स्ट स्विफ्ट, बहुत तेज, फुर्तीला. स्पाई, ध्यान से देखना, जासूसी करना. एलियन, विदेशी, फॉरेनर. रिंकल्ड, झुर्रियां. केयरस, लाड करना, प्यार करना. किन, रिश्तेदार. फॉरएवर, हमेशा. Now we will read this poem. First of all, I will read this pre-reading questions. So, do you live with your grandparents? क्या आप अपने दादा दादी के साथ रहते हैं? Do you love your grandparents? क्या आप अपने दादा दादी को प्यार करते हैं? Why do you love them? आप उनको प्यार क्यों करते हैं? I am a little child in a big world. मैं एक छोटा सा बच्चा हूं इस बहुत बड़े संसार में. Where giants in black boots make swift moves. जहां बहुत बड़े बड़े लोग काले काले जूते पहनकर बहुत तेजी से चलते हैं. I even spy मशीन्स इन द स्काई. मैं ध्यान से देखता हूँ आसमान में मशीनों को. आसमान में कौन सी मशीनें होती हैं? एरोप्लेन, जहाज. दे लुक लाइक बर्ड्स बट दे हैव नो आईज. वो चिड़िया की तरह दिखते हैं लेकिन उनकी कोई आंखें नहीं हैं. ग्रैंड मदर एंड आई वी ऑफन साई. दादी और मैं, हम लोग हमेशा लंबी लंबी सांसें लेते हैं. साई मीन्स लंबी सांस लेना. एट द बिग एडल्ट वर्ल्ड एंड एलियन वर्ल्ड. जब हम बड़े लोगों की दुनिया को देखते हैं, एक बच्चे के लिए यह संसार एक एलियन वर्ल्ड की तरह लगता है. उसको सिर्फ अपने माता पिता या परिवार के बारे में पता होता है, बाकी दुनिया के बारे में नहीं पता होता, तो वो उसको सारी एलियन वाली दुनिया लगती है. आई क्रेस हर रिंकल्ड स्किन, इन हर आई फाइंड माय किन. मैं प्यार से अपनी दादी की झुर्रियों वाली चमड़ी को पकड़ता हूं और दादी में मुझे अपना रिश्तेदार दिखता है. किन मीन्स रिश्तेदार. वी आर सो मच अलाइक. We think so alike. हम दोनों एक जैसे दिखते हैं और हम दोनों एक जैसा सोचते भी हैं. Think means सोचना. We smile and hug each other. Just me and my grandmother. हम हंसते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं. Hug means गले लगाना. सिर्फ मैं और मेरी दादी माँ.
Please let us stay together forever and evermore. कृपा करके हमको एक साथ रहने दो हमेशा के लिए. Now, glossary, giant, huge, बहुत बड़ा, swift, fast, बहुत तेज, spy, notice, see, ध्यान से देखना, alien, foreigner, विदेशी, caress, gentle touch, प्यार से छूना, wrinkled, old, saggy skin, बूढ़े लोगों की झुर्रियों वाली चमड़ी, किन, रिलेटिव, रिश्तेदार, फॉर एवर, हमेशा के लिए. थैंक यू.